हेलो दोस्तों, जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉर्ड कृष्णा जी में। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे मेष राशि के जातक के लिए किस प्रकार से शुभ साबित होंगे। 23 सितंबर के दिन आपके साथ किस प्रकार से कार्य क्षेत्र में आपको अच्छे सफलता की प्राप्ति होंगे और अपने व्यापार व्यवसाय और नौकरी पेशों में उन्नति पा सकोगे। तो मित्रों, ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। रोजाना की तरह आज भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं और मुझे ये बहुत शेयर करने में मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। तो आप सब हमारे वीडियो में लगातार बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको अतिरिक्त सुरक्षा के बारे में बताया जाएगा। आपके राशि के अनुसार ज्योतिष की जानकारी आपको मिलती है, इसीलिए आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार से रोजाना राशिफल प्राप्त हो सके और आने वाले दिनों को और भी ज्यादा बेहतर और लाभकारी और शुभ साबित कर सके। तो मित्रों, आप सभी जो भी लक्ष्मी जी के भक्त हैं वह कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आपकी राशि में क्या परिवर्तन होंगे जिससे मान सम्मान व प्रतिष्ठा घर परिवार और गांव समाज में बढ़ा सकोगे। आज के दिन आप लोगों के लिए लाभदायक समय है। किसी भी कार्य तथा मेहनत का पूरा पूरा आपको फल मिलेंगे। किसी फोन कॉल के माध्यम से कोई महत्वपूर्ण सूचना मिलने की काफी संभावनाएं हैं। मार्केटिंग व मीडिया से संबंधित कार्यों पर ही आपका पूरा ध्यान केंद्रित कर रखें। किसी भी प्रकार की भविष्य संबंधित योजनाएं बनते समय पूरा दूसरों के निर्णयों की उपेक्षा अपने निर्णय को अधिक प्रसिद्धता को प्राथमिकता दें। बातचीत करते समय सावधानी रखें कि कहीं नकारात्मक शब्दों का प्रयोग से वाद विवाद की स्थिति ना उत्पन्न हो। विद्यार्थियों अपनी पढ़ाई पर भी अधिक ध्यान दें। कार्य क्षेत्र में आपको अपनी काबिलियत प्रदर्शित करने का आपको मौका मिलेंगे। मार्केटिंग संबंधित कार्यों में कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। नौकरी पेशा व्यक्ति अपने काम पर अधिक अध्ययन करने होंगे और आपको ध्यान देने होंगे, क्योंकि किसी भी प्रकार के फाइल पत्र में गलती होने से आशंकाएं बन रही है। जीवन साथी का सहयोग आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। घर का वातावरण खुशनुमा बना रहेगा। कमजोरी व थकान जैसी स्थिति मजबूत होंगे। अपने खान पान तथा दिनचर्या को व्यवस्थित रखना अवश्य होंगे, क्योंकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी कठिनाई आपको सहने सके और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्याएं हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और बताइएगा आपको किस प्रकार से समस्याएं हैं, उसका वीडियो आप लोगों के साथ बात करेंगे। आज धार्मिक व आध्यात्मिक गतिविधियों में कुछ समय व्यतीत होगा। अगर पैतृक संबंधित कोई भी वाद विवाद चल रहा है तो उसे सुलझाने का उचित समय होंगे। विद्यार्थियों को भी शिक्षा व करियर से संबंधित समस्याओं का हल मिलने से राहत मिलेंगी। आर्थिक मामलों में काफी सूझबूझ सोच विचार कर निर्णय लें। अति आत्मविश्वास आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। अपने गुस्से व आक्रोश का काबू बना कर रखें। भाइयों के साथ संबंध मधुर बना रखना आपकी जिम्मेदारियां हैं। व्यवसाय स्थितियां थकावट रहेगी अथायत रहेगी। ये समय संयम बना कर रखने का है। उधार दिया हुआ पैसा या पेमेंट कलेक्ट करने के लिए आज का दिन उत्तम है। सरकारी सेवारत व्यक्तियों को अचानक ही किसी भी प्रकार का यात्रा और ऑर्डर आ सकता है। पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे। प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार के नकारात्मक बात से दूरियां आ सकती हैं। माइग्रेन व सिरदर्द की वजह से दिनचर्या अस्त व्यस्त हो सकता है। गृष्ट तथा भला भूला खाने से लेने के लिए परहेज रखें, जिससे आपके लिए समस्याओं से दूर कर सकेंगे और किसी भी प्रकार की कोई भी गतिविधियां आपके साथ नहीं देगी और लंबे समय से चली आ रही किसी चिंता व तनाव से राहत मिलेगी। आज सामाजिक कार्यों की उपेक्षा अपने व्यक्तिगत कार्य पर अधिक ध्यान दें, क्योंकि आज कोई भी लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय निकट भविष्य में आपके लिए लाभदायक परिस्थितियां प्रदान करने वाला है। परंतु अपने व्यापार को सहज बना कर रखें। गुस्से की वजह से स्थितियां बिगड़ सकती है। बच्चे को आपको सहयोग की जरूरत पड़ेगी, इसलिए कुछ समय उनके लिए भी निकालना आवश्यक रहेंगे। आज कुछ
नए व्यवसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे, परंतु इस दरमियान किसी भी कागज व दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें। कार्य क्षेत्र में बदलाव संबंधित जो नीतियां बनाई हैं, उससे आपको सफलता मिलने से पूरे योग बनेंगे। घर का माहौल खुशनुमा रहेगा, मेहमानों के आने से घर में उत्सव भरा वातावरण भी होगा। डायबिटीज तथा ब्लड प्रेशर संबंधित परेशानियां बढ़ सकती हैं, लापरवाही न बरतें। आज के दिन उपाय क्या करने हैं, सुंदर कांड का पाठ करें जिससे आपके लिए शुभ कार्य और शुभ हो सकेंगे और आपके रुचे हुए भविष्य को सुधार सकेंगे। तो मित्रों, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अवश्य लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको इसी प्रकार से रोजाना राशिफल प्राप्त हो सके। तो मित्रों, धन्यवाद।